नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। छठ लोक आस्था का महापर्व है। इसकी शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से होती है। छठ पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा के चार दिनों के दौरान महिलाएं संतान की सलामती और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं। कई स्थानों पर छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। जो बिहार को ठीक से नहीं जानते, उनके लिए छठ को समझना थोड़ा मुश्किल है। देश दुनिया के लोग छठ के बारे में जानना चाह रहे हैं। आखिर इसका महत्व क्यों है, क्यों मनाया जाता है? सूर्य उपासना का पर्व और छठी मैया भी कहते हैं क्यों? ये बिहार और पूर्वांचल के लोगों की आस्था का प्रतीक है। आस्था पर ना तो सवाल किया जा सकता है और ना ही इसका कोई जवाब हो सकता है। जहां तक महत्व का सवाल है, तो ये प्रकृति को चलाने वाले सूर्य देव की उपासना का पर्व है। ये देवी कात्यायनी से आशीर्वाद मांगने का पर्व है। छठ दिखाता है कि जिसका अनंत है उसका उदय भी होगा। ये बिहार के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की घर घर होने वाला पर्व है। जो अपने घर में नहीं करते, वो दूसरों के घर जाकर करते हैं। जो दूसरों के घर पर नहीं जाते, वो घाट पर जाकर अर्घ देते हैं। कोई मनोकामना का साथ करता है, कोई पूरा होने पर करता है, तो बहुत सारे लोग यूं ही करते हैं आस्था के कारण। मनोकामना छठी मैया पूरी करती हैं और आस्था सूर्यदेव के प्रति दिखाते हैं। सूर्यदेव इस प्रकृति के ऊर्जा स्रोत हैं। छठी मैया देवी कात्यायनी है, ये सूर्य की बहन है। नवरात्र में भी हम देवी कात्यायनी की षष्ठी को पूजा करते हैं, मतलब नवरात्र का छठा दिन। सनातन हिंदू धर्म में जन्म के छठे दिन भी देवी कात्यायनी की पूजा होती है। इन्हें संतान प्राप्ति के लिए भी प्रसन्न किया जाता है। संतान के चिरंजीवी स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए देवी कात्यायनी को प्रसन्न किया जाता है। छठी मैया यही है, इसलिए समझना मुश्किल नहीं है इन्हें। शेष छठ में सूर्यदेव की पूजा तो घाट पर होती है। खरना पूजा पहले छठी मैया के लिए ही होती है। सबसे ज्यादा ध्यान शुद्धता और सात्विकता का रखना पड़ता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लहसुन प्याज खाना अमूमन बंद हो जाता है। धनतेरस या दीपावली से ज्यादा लोग सेंधा नमक खाना शुरू कर देते हैं। ये एक तरह से शुद्धता का माहौल बनाने का प्रयास होता है। छठ के लिए अनिवार्य शुद्धता का मानक पूरा करने के लिए पूर्ण सात्विक होना पड़ता है। नहाए खाए से छठ व्रत की शुरुआत होती है। मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना पड़ता है। नहाए खाए का मतलब तामसी प्रवृत्तियों की सफाई। शारीरिक रिश्तों में दूरी रखनी होती है। कम और सुपाच्य भोजन करना होता है, और ताकि शरीर को भीतरी हिस्सा भी जो है वो साफ हो जाए। आपको जैसा कि हमने बताया कि हमारे देश में छठ का कितना महत्व है और छठ को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। घाटों पर लोग सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं। काफ़ी खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। और जो छठ का पर्व है, ये दर्शाता है कि लोगों में किस तरह से आस्था है। देखा जाए तो ये एक आस्था का प्रतीक। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।